के काबिल है, और अगर उससे मुड़ जाए तो वाइस रहमत है, देखना भी क्या शान है मेरे मुस्तफा दी। क्यों अली फना फिर नबी था, अली अल मुर्तजा फना फिर नबी था, फना फिल मुस्तफा, फना फिल मुस्तफा, मोहब्बत है मुस्तफा में चूर चूर, एक एक आपका एक एक जर्रा वजूद का आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मसरूर था। ऐसा वक्त आ गया अली की जात की नफी हो गई, अली की जात की नफी हो गई और सरापा उसने मुस्तफा सामने हुआ, हम आ गया अन्नज़र अला वजह अली के इबादत, अली की तरफ देखना इबादत है। क्यों ये मुस्तफा का सब कुछ बन गया, इसके चेहरे को देखना है इबादत। बातें समझ आ रही है मेरी, ये बातें याद रखो, नस्ल के हाथों के कमजोर नहीं आती। अपनी बातों को हमने छोड़ दिया, असलाफ का मुताला छोड़ा। मैं हर तकरीर में यही कहता हूँ कि अपने असलाफ को पढ़ो, अपने अजदाद को देखो, हम कौन हैं, हमारा मसलक व मजहब क्या है, इसमें कितनी मोहब्बतें हैं, इसमें कितनी ताकतें हैं। उनसे हम आशना ही नहीं रहे, उनसे आशना नहीं रहे। इन बातों को जहन में रखो, कोई मुनाफिक अगर सामने आता है इंशाल्लाह उसके पास भी जवाब नहीं होगा, उसकी बोलती भी बंद होगी और उसका सब कुछ ही बंद हो जाएगा। वजह ये है अपने आप का नहीं खबर होती। तो मैंने क्या कहा, अली के चेहरा फिरा रुखे अनवर की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ, फरमाया इस चेहरे को देखना भी इबादत। और अबू लाब ने कुछ बका, फरमाया अल्लाह ने तब चला अबू लाब के मुताबिक, ये तबाह बर्बाद हो गया, हाथ इसके टूट गए। तो ये फर्क है कि जो मुड़ते हैं उस तरफ, उस उनकी तरफ दुनिया मुड़ती है। मैंने क्या कहा, कोना कोना नहीं, चप्पा चप्पा नहीं, एक इंच पर भी जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा की शम्मा रोशन हुई है। पूरे इतने दिन रात दिन अपने आप को देखे बगैर रहमत मुस्तफा पे नजरें टिकी रहे, उसी रहमत पे नजरें टिकी रही। और हर जगह पे क्या हुआ, जिक्र खुदा हुआ और जिक्र मुस्तफा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। जहां जाके देखो एक ही आवाज आती है, या अल्लाह की आवाज आएगी, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद की आवाज आएगी, वाल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। तो इस तरह हम मसरूफ रहे तकरीबन 4 महीने, कुछ दिन और मिला के तकरीबन 4.5 महीने हमारे ये साल में पूरा गुजर बनता है। इसलिए कि तमाम जो अहले सुन्नत और खासकर जो याराने तरीकत और खासकर जो अहले मोहब्बत अहले दर्द लोग हैं और कुछ जानने वाले हैं या जिनके जहन में कुछ बात है कि मैं कौन हूं, वो आए इस तरफ और आए मिले बैठे समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ऐसा आने वाला खाली कभी नहीं मिला, और वैसे आने वाला उसको कहीं से भी नहीं मिला। सोच के आने वाला, समझ वाला खाली नहीं गया, और वैसे आने वाला कहीं से उसने ना पाया। यहां नहीं कहीं भी चला जाए, क्योंकि जहां जाते हो अपना जर्म साथ लेके जाते हो, उसमें कंध लेके जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मन को साफ करके जाओगे कुछ और चीज लेके आओगे। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत मिशन पे अल्लाह की नजर और रसूल की नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस पे अली की नजर और गौसे आजम की नजर और बाबा दाऊद खाकीशा रहमतुल्लाह अलैह की नजर हो, वो कभी कमजोर नहीं, वो तो पुरजोर हुआ करता, इसीलिए शायद इसका जोर हुआ करता। लेकिन आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, ये तो आंखों वाला ही देख सकता है, अंधे को क्या आए नजर क्या देखे, चश्मे कूर जो है अंधी आंख उसको क्या पता चल सकता है। तो जुदाई ये नहीं होती, मुरीद सादिक हो जहां भी हो वो पास होता है, जहां भी हो मुरीद मुखलस हो सादिक हो जहां भी हो वो पास होता है। मगर अपनी कोशिश यही होती है कि जितने भी मिलने वाले हैं, अब इस सिलसिले में आपको पता है कि कितने लोग मुझसे हो चुके हैं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10000 नहीं, 50000 नहीं, कितने हजार, उसके मैं नेक्स्ट नहीं बताऊंगा, किसी बड़े फिगर से तो भी एतराज कर चुके हैं जिसमें खवातीन भी और मर्द भी सब शामिल है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से एक एक मुरीद से और एक एक मर्द या खवातीन मुरीद से एक एक अलग उससे उसका रसाई और उसकी मुलाकात और उससे बात और उसकी रहनुमाई, ये अगर साबित है कि
ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ಸಿಲ್ಲ इतनी मुलाकातें ये मोहब्बत की बात है ना। भला साहब बैठे हैं बहुत ही साहिब फन, आपने सुना भी है पढ़ा भी है और ये जानने वाले हैं, खुश नसीबी हिंदी की ये जानने वाले हैं। न जानने वाले होते तो बहुत सारे लोग जो दीगर जगहों से पढ़े तो हैं, लिखे भी हैं मगर जानने से कासर रहे। इन्होंने पढ़ा लिखा करा मगर अल्लाह और उनको जान दिए अता कर दी। तो बात ये है, किसी शायर ने कहा कि मिलते तो बेशक हम हैं एक महफिल के बाद दूसरी महफिल, लेकिन तिश्ने की रोज मुलाकात में रह जाती है। मेरी एक बात भी बात में रह जाती है। चांद आंखों से गुजरता है गुजर जाता है, चांद आंखों से गुजरता है गुजर जाता है, चांदनी दिल के मुजाफात में रह जाता है। चांद यार नजर आया आंखों को फरहत बख्शी और वो चला गया और उसकी मोहब्बत दिल के आंगन में कहीं भंगड़ा डाल रही है और ख्वाब में हाथ मिलाकर वो चला जाता है, ख्वाब में हाथ मिलाकर वो चला जाता है और फिर एक धनक हाथ में रह जाती है। हाथ मिलाया और उसकी खुशबू उसकी रोशनी हाथ में रह जाती है। बात यह कि किस्म की रोज मिला था, यह तो रोज मिलते रहे, मोहब्बत नाम ही सीखा है। एक मैं आशिक एक लाख बार भी मिले फिर भी कहते हैं एक बार और मुलाकात। इश्क की यही दलील है कि सारी उम्र मिलता रहे तो दिल करे मिलता रहूं। आशिक सारी उम्र मिलता रहे और फिर भी दिल कहे कि मिलता रहूं, इसी को इश्क कहते हैं। आज वो दिन है जो सरदारे आशिका है, जो सरदारे आशिका है। कैसे आज तक सर अर्श किसको बुलाया गया और वक्त दुहा कह के किसको पुकारा गया और वह लैल सुलभ से तशबीह है। ये तो सरापे महबूब बयान हो रहा है, कुरान की एक एक आयत निशानी अल्लाह की और निशानी में क्या कहा, वक्त दुहा वशम्स वालकमर वन नजम हवा। ये बातें अल्लाह यासीन हुसैन और इसी तरह तमाम कुरान करीम जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ नामा ए मोहब्बत है महबूब के नाम, लव लेटर है, लव लेटर अल्लाह ने भेजा, जिब्रील लाने वाला महबूब भेजने वाला, अल्लाह भेजने वाला और जिब्रील लाने वाला और मोहम्मद करीम भी आने वाला, यही बन गया अलग नाम ही। यही उसी की तरफ आया और ये क्यों ऐसे लकबात से नवाजा गया कभी किसी ने सोचा, वास्ता एक ही सबसे आला होता है जो इश्क का होता है। जब सरकार को अर्श पे बुलाया गया वहां आपका जो महल था उसमें बिठा के आपको सजाया गया, फिर वो मकाम काबा कौसैन हुआ तुम्हारा कि दो काबा कौसैन दो तीनों से भी करीब, दो कमानों से भी करीब, इतनी मोहब्बत तुझे कहां पाई जाती है, किसी और के लिए है। सबको बहुत नवाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो चेहरा कि अगर देखा किसी ने गुनिया काट दी पता ही नहीं चला, इतना हुसन। लेकिन देखना ये है कि रब किस पे आशिक है। रब ने उठाया महबूब को, जिब्रील अमीन को भेजा, जाके कदमों को बोसा दिया और उठा के अपने पास बुला लिया और सुर्ख याकूती महल में आपको ठहराया गया। सुर्ख याकूती महल में वहां से फिर आगे सिदरतुल मुंतहा और फिर काबा कौसैन और अदना और उससे भी करीब की मंजिलें, वहां की खबर किसी को नहीं, वो अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं।